नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ जीआई फिटिंग और नेम एंड फिक्चर के साथ में, जो कि उसका क्या क्या नाम होता है और कहाँ कहाँ उपयोग होता है, उसको आप पिक्चर के द्वारा आप उसे समझिए और जानने की कोशिश कीजिए कि फिटिंग का जो जीआई पाइप है उसका क्या क्या नाम होता है। ये देखिए, ये है पेंडिंग नेपल जो कि दोनों साइड से ओपन होता है। उसी तरह से ये है जी आई यूनियन जो होता है, ये भी एक थ्रेड टाइप का होता है। जी आई एल्गो 90 डिग्री, एल्गो 90 डिग्री का ये फिर इसमें आता है। जी आई सॉकेट, ये सॉकेट दोनों एक दूसरे को जोड़ने का काम में आता है। और इसी के साथ में जी आई 45 एल्गो जो कि एक दूसरे को कनेक्टेड करता है राउंड अप करने में। ये है टैंक निप्पल, ये टैंक निप्पल जो होता है जो हमारा बहुत ही जरूरी होता है। जी आई क्रॉस सेवर जो कि जी आई क्रॉस सेवर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसका भी नाम जरूरी है। जी आई लॉन्ग बेस, साथ ही जी आई फ्लेम जो है, जी आई रेडिएटर बूस, जी आई रेडिएटर बूस इसे कहते हैं। वाई बेच पिच जी आई, साथ ही साथ एम एंड एफ एल्बो 90 डिग्री का कौन का द्वारा ही है। रेडिएटर सॉकेट है, ये रेडिएटर सॉकेट है, इसका नाम है जी आई टी, इसको टी के नाम से जाना जाता है। तीन तरफ इसका होल रहता है। जी आई एक्सटेंशन नेपल जो कि एक साइज से लेकर बड़ा साइज तक यहाँ सारे यहाँ पर अवेलेबल है, आप इसे देखने का समझने का कोशिश करिए। एक्सटेंशन नेपल है ये। जॉबलिक क्लैंप, ये जॉबलिक क्लैंप जो है किसी भी वस्तु को टाइट करने के काम में आते हैं। जी आई क्रॉसेस, ये चार मुंह वाला होता है। जी आई प्लग जो कि हमारे घर में भी काफ़ी लोग इनको देखे होंगे टाइट करने के लिए, ब्लाइंड करने के लिए। ये कैप प्लग है, ये भी जैसे ब्लाइंड करने वाला है सेम उसी तरह से है। थ्री वे एल्बो, ये तीन तरह से है, ये एल्बो का ज्वाइंट यहाँ पर होता है। चेक नट है, इसी तरह से देखिए काफ़ी जी आई का जो मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल है पिक्चर के साथ,